जय हिंद सर। जय हिंद, क्या हाल चाल? सबसे सर वेरी गुड सर। धन्यवाद पहले तो यार बधाई, बहुत 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 बधाई, है ना? सर, धन्यवाद मचा सर। दिया यार। यस सर। कहाँ से हो यार, कहाँ से बिलोंग करते हो बताओ पहले। ग्वालियर सर आई बिलोंग्स टू ग्वालियर मध्य प्रदेश। वैसे से हो? यस सर। और ग्रेट सर करंटली ग्रेट। आई एम लिविंग दिल्ली। अच्छा, और दिल्ली में कहाँ रह रहे हो? सर दिल्ली में दिल्ली कैंट। माय फादर इज इन आर्मी सो ही इज पोस्टेड हियर। अच्छा, ओके ओके, बहुत बढ़िया यार। ग्वालियर से हो? यस सर। तो मैं झांसी से हूँ यार। मैं अरे झांसी में भी रह चुका हूँ सर। मेरे फादर की पोस्टिंग थी वहाँ। वाह, कहाँ पर रहे थे? हाँ सर झांसी में सर जो तोपखाना बाजार है ना उसके पास कनिष्का लाइन हाँ 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 सदर बाजार के पास। हाँ अभी तो मैं झांसी में ही हूँ आज यस सर। थैंक यार। मतलब मजा आ गया रिजल्ट देखकर। क्या रैंक आई है आपकी, बता दीजिए पहले एक बात। तो सर आई हैव सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 286। 286 भाई, यस सर। पूरी डिफेंस वाला की टीम से, टीम की तरफ से, अलग सर की तरफ से। सबसे यस पहले थैंक यू। तो यू टेक दी हार्टिएस्ट विशेस। तो बताओ कैसा, अभी कैसा चल रहा है घर पे, सब माहौल क्या है? सर माहौल अच्छा है सर। पापा बहुत खुश है सर। मेरे पापा जेसी में हैं और मैं ऑफिसर एंट्री से जा रहा हूँ सर। तो घर में काफी खुश है सर। अच्छा, अरे और वाह, मतलब ये तो एक बहुत ही बड़ी बात है यार। रियली ये सर रिलेटिव्स में भी काफी यू खुश है हैव सर। मेड थैंक देम प्राउड, यू हैव मेड देम प्राउड यू सर। सच में। तो कैसा लग रहा है, कल से कैसा लग रहा है? मतलब जब से रिजल्ट आया है उसके बाद से सब रिलेटिव्स का फोन आ रहा होगा। क्या चल रहा है, मिठाइयाँ खाई, क्या किया? यस सर। मतलब फोन आ रहा है सर, बातें हो रही हैं। और सर जो मेरे जूनियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी थोड़ा अब बोल रहे हैं कि हाँ ये दोस्त हमारा एनडीए जा रहा है। और जूनियर्स भी थोड़ा गाइड करने के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं सबकी हेल्प कर रहा हूँ अभी तो। ग्रेट ग्रेट, हाउ डिड यू गो थ्रू इट? कैसे इसके बारे में प्लान किया कि यार एनडीए करते हैं? सर जैसे मेरा सर आई एम आर्मी ब्रेड, तो सर मेरे को तो जाना आर्मी में था। सो बचपन से सपना था कि फौज में जाना है, ऑफिसर बनना है सर। फिर जब मैं 10th में आया मेरे को एनडीए के बारे में पता चला। एनडीए एग्जाम होता है 10+2 के बाद होता है। तो सर उसके फिर 11th के मिड में मैंने पढ़ना चालू किया सर। मैंने बुक मंगाई पाथफाइंडर, हर कोई बच्चा मंगाता है एनडीए एस्पिरेंट। फिर सर बिल्कुल मैं फिजिक्स वाला तो 10th से ही फॉलो करता था सर, पढ़ने के लिए अच्छा। फिजिक्स वगैरह। सर डिफेंस वाला बना था तो मैं स्टार्टिंग से उसका रिसेंटली सब्सक्राइबर था यूट्यूब पे। और सर जो फर्स्ट ओके बैच आया था शक्ति बैच, वो भी मेरे को सर याद है। उसकी मैंने वीडियोस देखी थी। आप थे सर, पुनिया सर थे, और मुक्तक सर थे, दानिश सर राइट। थे, सबसे पढ़ा था सर। फिर सर धीरे धीरे सर प्रिपरेशन की, प्रैक्टिस की, मैथ्स स्ट्रॉन्ग की सर, क्योंकि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनडीए में। और फिर सर बिल्कुल जब मेरा सर मैंने लास्ट ईयर एनडीए 1 2022 भी दिया था, जब मैं जस्ट 12th में आया था फॉर प्रैक्टिस अच्छा, ठीक पर्पज, वो सर है। मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था सर। मैंने अपनी जो गलतियां थी उस पर वर्क किया। फिर तो सर जो मेरा अपियरिंग वाला अटेम्प्ट था सर वो मेरा क्लियर हो गया। फिर मैं एसएसबी के लिए सर कोचिंग के लिए गया था एक जगह। वहां से सर फिर मैंने जो मेरे वीक पॉइंट्स थे जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, करंट अफेयर्स, उन पर वर्क किया। न्यूज़पेपर पहली बार पढ़ना चालू किया था, कभी पढ़ा नहीं न्यूज़पेपर। धीरे धीरे करके सर वर्क किया थोड़ा पर्सनैलिटी पे। और सर फिर ऑन 13th of January सर मैं रिकमेंड हुआ था 14 SSB इलाहाबाद से। अच्छा, जर्नी सर बहुत अच्छी थी, सीमलेस थी सर। मतलब धीरे धीरे करके मैं मेहनत की थोड़ी थोड़ी। तो क्लास 10 से ही स्टार्ट कर दिया था इसकी इसकी प्रिपरेशन को क्या? मतलब नो सर एज यू मैंने क्लास 10 में फिर यू स्टार्टेड फॉलोइंग। तो क्लास 10 में कहाँ से पढ़ते थे? सर क्लास 10 में सर वैसे मैं EPS में पढ़ता था, आर्मी पब्लिक स्कूल ग्वालियर। अच्छा, ठीक है। और सर मैं फिजिक्स वाला फॉलो करता था क्लास 10 से ही, क्योंकि सर मतलब फिजिक्स वाला सर से तो अलग पांडे सर से तो सभी पढ़े हैं, मेरे सारे बैचमेट पढ़े हैं, मेरे सब दोस्त पढ़ते हैं अलग सर से। बिल्कुल वहां सर फिजिक्स पढ़ी मैंने सर से। फिर धीरे धीरे सर का चैनल ग्रो किया। सर ने फिर डिफेंस वाला जब खोला था तो मैं उसका रिसेंटली सब्सक्राइबर था, क्योंकि मेरे को एनडीए के लिए प्रिपरेशन करनी थी सर। फिर मैंने 11th के मिड से प्रॉपर एनडीए के लिए फोकस किया था क्या बाकी। किया सबसे पहले, कैसे स्टार्ट किया? अगर 11 से शुरू किया, सर बच्चे ना आजकल ये पूछ रहे हैं, जैसे मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमको अगर 11th में स्टार्ट करना है, यस ठीक है, सर हमें एनडीए की प्रिपरेशन, तो क्या अभी ये सही टाइम है? क्या हम कोई बैच ले लें आपका? मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं कि क्या अभी से हम तैयारी करना शुरू करें? तो क्या आप सजेस्ट करोगे, व्हाट डिड यू डू, कैसे 11th में स्टार्ट किया? क्योंकि जो मैथमेटिक्स आती है वो 12th की भी आती है, हम
है ना, और जो फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायो होती है, उसका लेवल भी हाई होता है। तो 11th क्लास में कैसे स्टार्ट किया? सर 11th क्लास में मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट से, मेरे फ्रेंड से, कि मैथमेटिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इससे क्योंकि इन चीजों में सर आपका कमांड बनने में टाइम लगता है मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में बेसिकली वोकैब आती है ज्यादा से ज्यादा, वोकैब प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, बिल्कुल क्योंकि एनडीए का जो सिलेबस है मैथ्स का वो 50% 11th का आता है, 50% 12th का आता है। तो मैथ्स पे बेसिकली फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए जितने लगा सकते हैं आप, 10 ईयर्स के मैंने लगाए थे तो मैं यही सजेस्ट करूंगा 10 ईयर्स के आप लगाइए। और पर सर जो साइंस आती है, 10 इयर्स के कैसे लगाएंगे जब उनको भी पता ही नहीं है कि आगे क्या पढ़ना है उनका? अभी तो उन्होंने अभी एक बार पढ़ा ही नहीं है चीजों को, तो PYQ हाँ कैसे सर, लगा? मतलब सर पहले तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, बेसिकली पहले ठीक है, एनसीईआरटी लगाइए 11th 12th की, 11th का ही अगर आप जस्ट 11th में आए हैं तो 11th की मैथ्स पे फोकस करिए, लेवल बढ़ाइए थोड़ा सा, अगर पहले तो एनसीईआरटी पे फोकस करिए अपने 12th के जो 11th का सिलेबस है, धीरे धीरे करके सर PYQs पे आइए, अगर आपको लग रहा है कि मेरे से जो 11th की एनसीईआरटी है इजीली सॉल्व हो रही है, फिर PYQs पे आइए, ऐसे धीरे धीरे करके करिए सर। मतलब ये है कि 11 से आप स्टार्ट कर सकते हो यस और सर, आपको वो चीज बिल्ड करनी पड़ेगी, है ना? यस सर, आपको एक लेवल हाई क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे अगर आपको यस सर, एनडीए क्लिक करना है अपने 12th के साथ ही या 12th के इमीडिएट बाद, है ना? यस सर, थैंक ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनपुट है फ्रॉम योर साइड यार, क्योंकि ना ये हमसे अक्सर सवाल होता है और मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि भाई पहले अपने 11th पे फोकस करो। यस तो सर, ट्रूली मैं अब ये अपने एड ऑन करूंगा इसमें आपका पॉइंट कि यार 11th तो करो लेकिन एक लेवल ज्यादा उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, यस सर, अगर है ना? आपको अपने फर्स्ट बिल्कुल अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो सर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। ठीक है। या मुझे ये बताओ भाई कि मतलब आपने GAT पे कब से फोकस करना स्टार्ट किया? सर GAT में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, साइंस, इंग्लिश और GS और GK। सर GAT में जो इंग्लिश और साइंस होती है वो बेसिकली 10th लेवल तक ही आती है, तो वो तो सर जो आप नॉर्मल क्लास के साथ अपनी इंग्लिश पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, वोकैब होती है जो वगैरह होते हैं, उसी के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। साइंस भी सर 10th लेवल तक की आती है, तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आप PCM बैकग्राउंड से हैं, तो इजीली आपके 50 में से 40 क्वेश्चन तो आराम से हो जाते हैं। लेकिन सर जो जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, PCM है मेरे पास, तो मेरा जो GS पार्ट था वो बहुत वीक था, अच्छा उसके लिए सर मैंने ये देखा पहले कि GS में भी किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है, तो जनरली ज्योग्राफी और पॉलिटी का मेरे को लगा वेटेज ज्यादा है, और मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी है ज्योग्राफी में, तो मैंने बेसिकली उस पर फोकस किया। हिस्ट्री सर मेरे से याद वैसे भी नहीं होती है, और मैं एफर्ट्स, हिस्ट्री सर इतनी वास्ट है एनडीए की कि आप कितनी भी पढ़ लो कम ही पड़ती है, वो क्वेश्चंस होती नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल, होती है टफ है काफी, हिस्ट्री टफ होती है टफ है वो, जैसे और अता है, नो डाउट अबाउट दैट, नो मिडीवल डाउट। और मॉडर्न, थोड़ा अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो मॉडर्न थोड़ा फोकस करिए, मॉडर्न ही आती है ज्यादातर। मॉडर्न क्या है ना, मॉडर्न थोड़ी बिरादरी की लगती है, जान यस पहचान सर, की लगती है। यस सर, एंशंट में पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ अगर खुदाई की चीजें आ रही हैं, हड़प्पा मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, समझ में नहीं आता है। यस बिल्कुल सर। होता है, और सर बिल्कुल होता है, मेडिवल हम में, लोग भी। यस हाँ सर, मेडिवल में भी थोड़ा सर बहुत वास्ट है, इतने नाम हैं, फिर बिल्कुल इतनी डेट्स हैं। मेडिवल में अगर किसी को पढ़ना है तो मैं आजकल का जैसे देख रहा हूँ ट्रेंड, गुप्ता डायनेस्टी और मौर्यन डायनेस्टी से काफी क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने। एंशंट एंशंट में एंशंट में अच्छा सर, हाँ एंशियंट में, एंशंट में यस सर, और मॉडर्न के तो सर हर बार से ट्रेंड है कि आते हैं। बाकी सर बिल्कुल ज्योग्राफी में, मैं अगर कोई स्टूडेंट है तो ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, जैसे मेरे पास सर मैप लगी हुई है। ज्योग्राफी बहुत ज्यादा साइंस ओरिएंटेड है एक्चुअली, यस सर, जहां पर यस आपको साइंटिफिक थोड़ा, मतलब आप हवाएं चल रही हैं तो क्यों चल रही हैं, प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, सब यस पढ़ते आ सर, रहे हैं हम लोग, है ना? जैसे PGF कम सर, है, PGF ज्यादा है, तो यस सर, टाइम जोन है तो मैथ उसमें मैथ्स भी लगती है, लैटिट्यूड भी लगती लॉन्गिट्यूड है। सवाल भी इस बार आया डिस्टेंस था, है। इस बार का अटेम्प्ट दिया था क्या? यस सर मैंने दिया था इस बार का। अच्छा, कैसा रहा इस बार का पेपर? सर इस बार का मेरे को GAT का लेवल अच्छा लगा था, मैथ्स का मॉडरेट था सर, मेरे से हाँ खुद से GS के सवाल काफी नहीं हो पाए थे, और अच्छा था सर लेवल इस बार का मतलब तो। क्या ही करना है। अब सर वो क्या ही करना है, मैं प्रैक्टिस के हाँ लिए देने गया था नहीं, ऐसे बहुत सर। अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत, मतलब आई मीन टू आस्क यू, इसलिए पूछ रहा हूँ कि तो मान लो क्लियर होता है रिटर्न, यू विल गो फॉर SSB अगेन और रैंक इंप्रूव करने के लिए, ऐसा कुछ रहेगा क्या? नहीं सर, या हो नहीं गया है, मेरे को हो हो गया है, अब कुछ नहीं गया करना सर। भाई, सेट यस सर मैं है लाइफ। मेडिकल मेडिकल फिट भी हूँ, तो सर कॉल लेटर आ जाएगा। अरे वाह,
बहुत बधाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये सब सब्जेक्ट्स बता रहे हो आप, गैट के लिए यू स्टार्टेड, मैथ्स के लिए 11th से ही शुरू कर दिया था, साइंस यस का सर। बैकग्राउंड था, कैसे प्रिपरेशन करी, हाउ डिड यू, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या डेडिकेशन डिवोशन शो किया आपने, मिलना सर जुलना दोस्ती यारी सब बंद कर दी थी, क्या किया? सब पूरी बंद तो नहीं की थी, लेकिन जैसे इट डिपेंड्स, एग्जाम से 1 महीने पहले मैं थोड़ा बाहर निकलना बंद कर दिया था। मैं पूरा फोकस होके, जैसे मेरा, मैं ये हूँ कि मैं रात को थोड़ा पढ़ता हूँ, रात को मेरा मन लगता है, तो मैं रात को जैसे 10 बजे बैठता था पढ़ने, तो 3 बजे तक, 4 बजे तक, जब तक मेरा मन करता था। ऐसे कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं थे, लेकिन जो मेरा ऑब्जेक्टिव होता था उसको मैं कंप्लीट करके सोता था। जैसे मेरे को अच्छा करने की, मेरे को ये इस चैप्टर के, मैथ्स के चैप्टर के इतने सवाल लगाने हैं PYQs, तो मैं वो सॉल्व करके फिर सोता था, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके। और सर स्टार्टिंग तो आप ऐसे बेसिक से ही करिए, चैप्टर्स पढ़िए। जैसे NDA में अब तो ये हो गया है कि जो वेटेज है चैप्टर्स की भी मैथ्स में, वो चेंज हो जाती है, अब चेंज हो जाती है। लेकिन आपको चैप्टर चूज कर लीजिए जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, उसमें वर्क कीजिए। बाकी जैसे सब चैप्टर्स नहीं करने होते NDA में, ये एक अच्छी बात है कि आपको सब कुछ कवर नहीं करना है, आपको सब में से थोड़ा थोड़ा जैसे लेके क्या चलना क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है? है। जैसे मैथमेटिक्स में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और जो इजी हैं, जैसे सेट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, देन बाइनोमियल थ्योरम हो गया, PNC हो गई, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ये सब इजी चैप्टर्स हैं और ये अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इनमें से, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फिर थोड़े हार्ड मीडियम हो गए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं हर साल, लेकिन ये थोड़ी टफ भी है। फिर आगे कैलकुलस वाला पार्ट, कैलकुलस वाले पार्ट में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो थोड़ा सा इजी हो गया। तो आप अपने हिसाब से सेग्रीगेट करिए चैप्टर्स को, जो आपको करने हैं, जो कितने स्कोरिंग है और आप कितने उसमें से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ऐसे करके आप सेग्रीगेट कर लीजिए। और सर ये हो गया मैथ्स के लिए। GAT के लिए मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि मेरी GS अच्छी नहीं थी, तो मैं साइंस और इंग्लिश पर फोकस करता था, क्योंकि वो स्कोरिंग है, काफी स्कोरिंग है और बेसिक आती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और आपके नेगेटिव भी उतने नहीं होंगे। बाकी सर मैं कहूंगा एग्जाम से 1 महीने पहले आप करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ने चालू कर दीजिए, क्योंकि अब 10-15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, जो कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। आप सिंपल एक लाइन पढ़िए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, और वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ये थोड़ा GAT में होता है, बाकी मैथ्स में यू कैन डू एलिमिनेशन, और ऐसे करके आप दो ऑप्शन, 3 ऑप्शन हटा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे करके मैंने सब प्रिपरेशन की थी। फिर 1 महीने पहले से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप PYQs लगाना चालू कीजिए, क्योंकि PYQs से आपको पता चल जाता है व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जाम। बिल्कुल वो एक एक्सपीरियंस देता है कि हाँ, ये इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं हर साल, तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इसमें कौन सी ट्रिक यूज हो रही है, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है ट्रिग्नोमेट्रिक, कौन सी वैल्यूज, 18 साइन 18 की वैल्यूज बार बार आ रही है, कि 10 18 की आ रही है, 22.5 की आ रही है, ऐसे करके सर। ये सर आपको खुद नहीं एनालाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल समझना चाहिए कि भाई आप एकदम बेसिक स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए यस सर, और उसको बस एक ग्रंथ की तरह, एक गाइडलाइंस की तरह फॉलो करते चले जाइए। दिस यस इज सर, व्हाट यू हैव डन, है ना, और कुछ ज्यादा करने की कोशिश नहीं करी, कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं, सिंपल रखा, बेसिक रखा और उस पर यस सर, स्टिक रहे, तो आपको सक्सेस मिल गई। बहुत अच्छी बात है, आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है सारे ही स्टूडेंट्स के लिए जो भी यहाँ देख रहे हैं एक्चुअली या सर फिर आज क्या कुछ। है, आजकल के बच्चे थोड़ा शॉर्टकट की तरफ भागते हैं कि मैं कुछ ऐसे कर लूं या ये कर लूं तो हो जाएगा। नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तभी आप उस लेवल पे आ पाओगे। तो प्रैक्टिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ना इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस किए बिना तो कुछ होगा नहीं, मतलब यस सर, आपको कलम चलाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। और बेसिक स्ट्रैटेजी रखोगे तो मेरे ख्याल से सभी के लिए फायदेमंद होता है, और ये सही यस सर, भी है। ओके, तो एज यू सेड कि करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़े थे करंट अफेयर्स, क्या किया था? तो सर करंट अफेयर्स के लिए, फॉर रिटेन करंट अफेयर्स मैं सर वीडियोस देख लेता था एग्जाम के 1 महीने पहले, या फिर जो वन शॉट वीडियोस आती हैं पूरे मंथ की, या लास्ट 3 मंथ्स की जो करंट अफेयर्स होती हैं। और सर फॉर SSB, अगर इफ आई एम टेलिंग, तो SSB के लिए सर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दिए थे जैसे मेरा रिटेन क्लियर हुआ था उसके बाद, क्योंकि मेरे को पता था SSB में जो करंट अफेयर्स हैं उसमें थोड़ा डीप नॉलेज होनी चाहिए, एक आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए उस टॉपिक को लेके, कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इसका हिस्ट्री था, क्या इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं,
लेकिन रिटेन के लिए टू द पॉइंट होती है, टू द पॉइंट है बिल्कुल। ये थोड़ा डिफरेंस था सर नहीं, बाकी। एसएसबी के लिए तो रिक्वायरमेंट होती है, आप यस कोई भी सर, टॉपिक पढ़े तो आपको उसके डेप्थ पे नॉलेज चाहिए, ताकि यस आप सर, अपना व्यू पॉइंट बना सकें, और थोड़ा यस सर। गहराई चाहिए, सतही नॉलेज नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप किस बैच से थे? सर मैं डिफेंस वाला के सर फर्स्ट जो शक्ति बैच था यूट्यूब वाला, और जो सर ठीक है, एनडीए 2 के लिए जो बैच था उसके लिए मैं यूट्यूब से पढ़ा था सर। NDA 2 of 2022। यस सर, और NDA 1 of 2022 दोनों के लिए। अच्छा, NDA 1 of 2022 और NDA 2 of 2, दोनों के लिए आपके। यस सर, मैं और यूट्यूब से पढ़ता था किस बैच से पढ़े थे? सर। शक्ति बैच था और सर एक और जो नेक्स्ट बैच था उसका सर मेरे को नाम याद अभी नहीं है। नहीं, वो यूट्यूब क्या से पढ़ा, वो, अच्छा आपने YT से पढ़ा हुआ था, यस शक्ति सर बैच आया यूट्यूब। था। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा मतलब, और SSB का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सर शेयर करो आप। एसएसबी का सर अच्छा था। सर मेरी मेरा जो डेट थी 9th of Jan, 14 SSB इलाहाबाद, और सर 74 रिपोर्टिंग थी और 30 बच्चे स्क्रीन इन हुए थे। तो जो AIR 1 है अनुराग सांगवान, ही इज फ्रॉम माय बैच, मेरे साथ ही रिकमेंड हुआ था। अच्छा और सर अच्छा था सर एसएसबी का एक्सपीरियंस। मेरी कुछ गलती हुई थी जो मैंने इंटरव्यू में बताई उसको कि सर मेरी ये वीक पॉइंट्स रह गए थे। जैसे मैं सर एसएसबी के लिए यही कहना चाहूंगा कि आप ऑनेस्ट रहिए, हेल्पफुल रहिए और थोड़ा एक पॉजिटिव अप्रोच। जैसे सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे साइकोलॉजी टेस्ट में एक सर पिक्चर आई थी जिसमें एक लड़का ऐसे लैडर पे खड़ा हुआ था और दो लोग नीचे एक प्रॉब्लम ऐसे कुछ ऐसे सोच रहे थे, कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैंने ये दिखाया कि इस बच्चे ने, ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और इसने इन लोगों की मदद की एज अ वॉलंटियर। तो मैंने कई जगहों पे वहाँ वॉलंटियर किया, अवेयरनेस दिखाई। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर, थोड़ा सा अप्रोच अच्छा होना चाहिए, एक हेल्पफुल अप्रोच, वॉलंटियर अप्रोच, ताकि आपकी पर्सनालिटी दिखे। बाकी सर मेरा इंटरव्यू 45 मिनट चला था और सर कॉन्फ्रेंस भी ज्यादा नहीं चला था, कॉन्फ्रेंस का डिस्कशन लंबा चला था। मेरे को अंदर आके नॉर्मल सवाल पूछे, स्टे कैसा था, क्या गेम्स खेले, क्या खाना था, कैसा स्टे वगैरह, नॉर्मल सवाल। और बस ये था कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अगर SSB नहीं हुआ तो, क्या ऐसे करके नॉर्मल। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये सारे एक्सपीरियंसेस लेकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, यस बहुत सर, कुछ फेस किया। सब सर नहीं काफी, करते हैं, क्योंकि सब सर नहीं करते हैं। काफी कुछ सीखने के लिए मिला सर। मतलब ये पूरी होल जर्नी में एक तो सर हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं होता, डेडिकेशन, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सर और मतलब। इन चीजों पे ना बिलीव तभी होता है जब हम यस उसको सर, क्लियर कर लेते हैं, हम उसको पा यस लेते हैं। तो यस जब सर, पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ, मैंने हार्डवर्क किया था, और उस यस वक्त सर, नहीं लग रहा था उस वक्त कि नहीं लगता हार्डवर्क। सर, हाँ, फिर उस हम वक्त मुड़ के देखते तो। हैं कि हाँ, आई डिड दी राइट थिंग शायद। यस बिल्कुल सर, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल यस, सही है। उस टाइम सर सिर्फ एम दिखता है कि ये हमारा एम है और ये हमें अचीव करना है। फैमिली में और कौन कौन है? सो वैसे आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली राइट नाउ सर। मेरी ज्वाइंट फैमिली भी है ग्वालियर में, और यहाँ अच्छा, मेरे फादर है, मदर है, एक मेरा यंगर ब्रदर है। ओके ग्रेट, बहुत अच्छा। तो यार, रिटेन में स्टूडेंट्स को और गाइड करो अगर आप, कि कैसे वो चीजों को बेटर करें। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश की बात करें अगर, तो इंग्लिश में वो रूल्स जो होते हैं, है ना, जिसको ग्रिप बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे लगता है ना, 50 सवाल इंग्लिश के बहुत मैटर करते हैं। वो यस सर, यस फिफ्टी सर, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम गैट की बात करें या साइंस की बात करें, तो साइंस में अगर आप, क्योंकि आप PCM बैकग्राउंड के हैं, अगर आप साइंस यस बहुत सर, अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं, आप इंग्लिश स्कोर कर ले जाते हैं एज यू डिड, तो मुझे लगता है कि वो बहुत एज दे जाता है आपको, है ना, आपकी प्रिपरेशन। तो इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करी थी, कैसे ये रूल्स, कैसे इंग्लिश को कंट्रोल किया? सर एक्चुअली मेरी थोड़ा इंग्लिश में इंटरेस्ट भी था पहले से, 10th से। तो मैं थोड़ा इंग्लिश पे नॉर्मली थोड़ा ऐसे सॉल्व करता रहता था जो मेरे पास ग्रामर की बुक थी। इंग्लिश का सर यही है कि आपको प्रैक्टिस से होगा क्लियर, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है क्वेश्चंस का, कभी कभी हमें इंट्यूशन भी आता है कि ये सही लग रहा है, मैचिंग हो रहा है, तो कभी कभी वो भी सही हो जाता है। बाकी सर इंग्लिश सिर्फ प्रैक्टिस से होती है। बाकी आपने जो टेंस के जो नोट्स बनाए हैं या फिर इडियम फ्रेजेस हैं या वोकैब है और जो जंबल वर्ड्स आते हैं, जंबल सेंटेंसेस आते हैं, इनके सर जो नोट्स हैं वो आप रिवाइज कीजिए और जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी कीजिए। क्योंकि सर जैसे मैंने देखा है जो एंटोनियम्स और सिनोनियम्स आते हैं, जो 20
आते हैं, ये एक तो इतने कोई हार्ड वर्ड वर्ड नहीं होते हैं, ना ही कोई अबव द स्काई होते हैं, कुछ इसमें से हर साल रिपीट होते हैं वर्ड्स, और ये नॉर्मल वर्ड्स होते हैं। आप वर्ड्स को अगर आपको वोकैब अगर इम्प्रूव करनी है तो पहले तो या तो आप रीडिंग कीजिए या फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए वोकैब की, तो धीरे धीरे करके आपको वो प्रैक्टिस होगी और एक्सपीरियंस आएगा कि हाँ ये वर्ड मैंने सॉल्व किया था, ये वर्ड का आंसर ये है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है जनरली स्टूडेंट्स ना इंग्लिश को अंडर एस्टिमेट करते हैं। यस सर, बिना पढ़े जाने की कोशिश करते हैं कि बिना पढ़े चले जाएंगे हो जाएगा काम, है ना, ऐसा वो कोशिश करते हैं, वो सर नेगेटिव में चले जाते हैं फिर। हाँ, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है काफी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शक्ति से क्या क्या पढ़ा, क्या टीचर्स की हेल्प मिली आपको, क्या थरली फॉलो करते थे, सारी क्लासेस करते थे या बैकलॉग बनता था, कैसे करते थे सब? जैसे सर मैं शक्ति में तो सर जैसे स्टार्टिंग में पुनिया सर थे, फिर अखिल सर आए थे, पुनिया सर से मैंने मैथ्स की थी। पुनिया सर का ये था कि सर क्वेश्चंस कराते, वो पढ़ाते थे पहले उस चैप्टर को, फिर उसके बाद उसके पीवाई क्यूज लाते थे, तो वो सर काफी हेल्पफुल रहता था सॉल्व करने के लिए। एक अच्छी पूरी पर्सपेक्टिव बन जाता चैप्टर को लेके कि हाँ सर ने ये टॉपिक पढ़ाया था, इससे ये क्वेश्चन आया है और इसको इस तरीके से सॉल्व करनी है, अप्रोच ये होनी चाहिए क्वेश्चंस की। सर फिर जो मुक्तक सर थे वो भी सर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लाते थे जीएटी के, जीएस पार्ट के, वो सर मैं सर की वीडियो लगाता था। सर डैनिश सर थे, डैनिश सर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं डैनिश सर। तो वो सर वो एंटोनिम सिनोनिम भी आपको बहुत तगड़े तरह से याद करवा देते हैं। यस सर, वो वोकैब बहुत अच्छे से आपको याद करा देंगे, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वोकैब। फिर सर सर आप हो गए, आप करंट अफेयर्स की क्लास लेते थे, बहुत एकदम अच्छी तरीके से इंटरेस्ट भी आता था सर आपकी क्लासेस में। किया भी कि नहीं किया ये बताओ पहले। सर किए हैं सर, नहीं सर सही में किए हैं सर, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। बी वेरी फ्रैंक। यस सर मैंने किए सर, तभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट और कैसे 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 सब्जेक्ट्स को ले गए, अबाउट पॉलिटी ज्योग्राफी कितना कितना सब्जेक्ट्स कैसे कैसे कर पाए, क्लासेस करते थे इनकी भी? हाँ सर मैं हिस्ट्री क्लासेस लगाता था, बाकी सर मैं क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था पढ़ने में ज्योग्राफी और पॉलिटी, तो वो मैं रीडिंग से कर लेता था और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेता था बुक में। ग्रेट, यस ऐसे मैंने किया था सर। करंट अफेयर्स आपसे हो गया, हिस्ट्री मैंने मुक्तक सर से। टेस्ट सीरीज का क्या रहा? टेस्ट सीरीज लास्ट टाइम आई थी, ब्रह्मास्त्र आई थी, हमने 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर को 3 टेस्ट करवाए थे आप लोगों के, क्या वो टेस्ट दिए थे? नहीं सर मैंने नहीं दिए थे सर, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहा था उस टाइम। ओके ओके ठीक है, और बाकी तो फिर आप जो है पढ़ते रहे। ठीक है ठीक है, ऑल राइट, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, मजा आया यार। और पता है क्या होता है कि ये अच्छा लगता है कि जब स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, आपने उसको पढ़ाया होता है, तो हम टीचर्स के लिए पता कुछ भी नहीं है, देर इज नो अदर मोटिवेशन। आप लोगों के लिए मोटिवेशन 10 हो सकता है कि यार एज यू सेड मेरे फादर भी थे, फिर आपको लग सकता है कि यार इस मुझे डिफेंस में जाके ये चार्म है इसका, मुझे नेशन को सर्व करना है, फला मेरा दोस्त भी गया हुआ है, मुझे भी जाना है। तो यू कैन हैव मेनी, आपके पास कई सारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो मोटिवेटिंग फैक्टर है ना वो आप हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ। सर जस्ट मैं अभी आपकी शॉर्ट देख रहा था यूट्यूब पे, आप उसमें बता रहे थे कि मेरी मोटिवेशन तो यही है कि मेरा स्टूडेंट ड्रेस पहन के मेरे को सैल्यूट करे और मैं उसको सैल्यूट करूं, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं ना, मेरे ख्याल से इससे बड़ा दिन मेरे लिए नहीं होगा, साल भर में नहीं होगा, क्योंकि हमने जिसको पढ़ाया, हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये आप देखो यहाँ स्टूडियो बना हुआ है, एक बंद कमरे के अंदर है, हम रिसर्च कर रहे हैं, फिर आपके सामने उस कॉन्टेंट को ला रहे हैं, आप उसको सच में पढ़ रहे हो, आप उसको ग्रैप कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, मेरे लिए मेरी मेहनत सफल हो जाती है। एंड दिस मोटिवेट्स अ टीचर कि यार हम अगले सेशन के लिए अपने बच्चे के लिए और मेहनत करें। ठीक है, तो हमारे लिए मोटिवेटिंग मोटिवेशन भी आप ही हो, हमारे लिए जो सक्सेस है वो भी आप हो, क्योंकि आप हो तो ही हम हैं भाई। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो हमें कोई नहीं पूछेगा, हमें लोग इसलिए पूछेंगे क्योंकि आपने सिलेक्ट हुए हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत खुशी होती है टीचर को। एंड मेरी तो बहुत ज्यादा हमेशा से इच्छा थी, शायद ये जो मैंने आप लाइन बता रहे हो ना, ये वीडियो मैंने एक्चुअली 4 सितंबर के पेपर के एक दिन पहले ऑल द बेस्ट करके बच्चों को डिफेंस वाला के यूट्यूब चैनल पर डलवाया था कि ऑल द बेस्ट, और वो मैंने क्लास में बोला था एक्चुअली। ठीक है, तो वहां मैंने वो डलवाया था, फिर उस वक्त मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, वो 3 सितंबर को पड़ा हुआ था, आज जब आप लोगों का रिजल्ट आया, ठीक है, तो ये लगा कि यार वो जो मैंने बातें बोली थी आज वो सच हो रही है, और आप लोगों के सपने तो सच हुए ही हुए। यहाँ पर ना टीचर्स को भी लगता है कि यार
हमारे भी सपने सच हो रहे हैं, तो हम भी उस ड्रीम्स को जी रहे हैं कि अपने स्टूडेंट्स को ऑफिसर बनता हुआ देखें, और बस यही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो भाई ठीक है, आगे बढ़ो लाइफ में, बहुत कुछ करना है, नाउ यू आर एंटरिंग द एकेडमी, है ना, और बस मचाओ खूब, जहां भी रहना कभी याद आए तो जरूर याद करना। जी धन्यवाद, बिल्कुल सर, क्योंकि आप लोग तो आगे बढ़ जाते हो, एक्चुअली बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, टीचर्स वहीं रहते हैं, हमारे पास एक डिफरेंट लॉट होगा, हम फिर उन्हें पढ़ा रहे होंगे, तो दिस इज द मेन थिंग। चलो यार ठीक है, अच्छा लगा, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन पूरी डिफेंस वाला की तरफ से, फिजिक्स वाला की तरफ से, अलग की तरफ से, कीप वर्किंग हार्ड और देश के लिए ऐसे ही काम करना, बी फेयर विद योर वर्क, है ना, अनबायस्ड रहना, कभी भी बायस मतलब कोई कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देश के लिए काम करने जा रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है, हमेशा याद रहेगा मुझे ये बात, ठीक है, ये वार्तालाप, ये बातचीत हमेशा याद रहेगी। ठीक है, मिलेंगे भी आपसे जल्दी, होपफुली हम आप लोगों को जल्दी, हो सकता है बुलाए भी, आप लोगों से मुलाकात भी करना है, आप लोगों से मुलाकात भी करने की हम लोग सोच रहे हैं, अलग सर भी आप लोगों से मिलना चाहते हैं। Yes, ठीक है, तो आप लोग को हम लोग सोच रहे हैं फैसिलिटेशन प्रोग्राम करें, आप लोगों को बुलाएं, ठीक है, तो आप लोगों का जो भी आना जाना जो भी होगा, स्टे होगा, ठीक है, एवरीथिंग, फूड एटसेट्रा, सब पीडब्ल्यू आप लोगों का बेयर करेगा, आप लोगों को बुलाएंगे, आप लोगों को पूरा फेलिसिटेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यू पीपल हैव डन अ ग्रेट जॉब, अफसर बने हो यार, अफसर, है ना, कोई ऐसा नहीं है कि क्लियर किया एग्जाम तो आपको कॉलेज मिला हो, यू पीपल हैव बिकम ऑफिसर्स, तो एक अलग अचीवमेंट है पीडब्ल्यू के लिए, और ये सब आप लोगों के वैसे हुआ है, सो कीप वर्किंग हार्ड। ठीक है बेटा, बहुत सारे अब तुम्हारे लिए, तुम्हारे चाहने वाले और बढ़ने वाले हैं, है ना, इस वीडियो को लोग देखेंगे, नहीं मैं देख रहा था, अभी मैं देख रहा था ना, एक वीडियो गया हुआ है, तो अनुराग का भी वीडियो गया था, तो उसमें एक का आ गया कमेंट वहां पर कि ये तो बहुत ही लग रहा है जेम मटेरियल है, मैरिज मटेरियल है, इस तरह की बातें लिखी हुई है, तो मैंने कहा यार ये तो देखो निकल पड़ी, अभी अब तुम्हारे साथ भी होने वाला है ये। नहीं, ठीक है, ऑल द बेस्ट सब लोग को, पापा मम्मी सब लोग को, फैमिली में एवरीवन सबको बधाई, ठीक है, यू ऑल्सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, जो भी करो जहां भी रहो लाइफ में खूब अच्छे से करो, ठीक है, थैंक यू सर, जल्दी मिलते हैं, यस सर, ओके, बाय बाय, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद।